दरबार की मेरे सर पे रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सबको श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी वीडियो में जो जानकारी आपको मिलता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होता है, इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। काफ़ी श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वही प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर हमने अपने वीडियो में पहले से दिया होता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जनवरी महीने में माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो में जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो रेल सफ़र का नज़ारा है। जब हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले होते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ से माता रानी के पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं, जहाँ पर माता रानी का पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर स्थित है जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। जैसे ही हम धर्म की नगरी कटरा शहर के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल जाता है। श्रद्धालु की काफ़ी चहल पहल होती है और ज़्यादातर श्रद्धालु इस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि जल्दी से RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत की जाए। और जैसे ही वो अपना RFID कार्ड ले लेते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते हैं, फिर उन्हें पहुँचना रहता है माता रानी की यात्रा गेट के पास, जहाँ से आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है। और माता रानी की यात्रा में इस समय फिलहाल धूप देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ठंड जो है आपको रात में कटरा में भी देखने को मिल जाएगा और भवन पे भी काफी ठंड बढ़ चुका है, इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर से कैरी करिएगा। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी जनवरी महीने में जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी बुकिंग ऑनलाइन हो जाए, जैसे आपका बैटरी कार हुआ, रूम डॉर्मेट्री हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, तो आपको बता दें कि आज यानी 1 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे आपको पूरे जनवरी महीने की बुकिंग ओपन होती दिख जाएगी वेबसाइट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपडेट भी किया गया कि आज यानी 1 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे बुकिंग खुल जाएगी। श्रद्धालु काफ़ी कमेंट करते थे कब जनवरी महीने की बुकिंग खुलेगी, कब हम बुक कर पाएंगे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि श्राइन बोर्ड का कोई डेट फिक्स नहीं होता है। कुछ श्रद्धालु तो कॉमेंट में रिप्लाई भी कर रहे थे कि 5 तारीख को खुल जाएगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ये कहा था कि जैसे ही बुकिंग खुलेगी हम आपको वीडियो बनाकर वो जानकारी शेयर कर देंगे। और हम आज आपको वीडियो बनाकर वो जानकारी शेयर कर दे रहे हैं कि आज फाइनली सुबह 10 बजे आपको बुकिंग देखने को मिल जाएगी पूरे जनवरी महीने की। तो जल्दी से जाइएगा वेबसाइट पर और वहाँ जाके बुकिंग कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और आप सब जो नज़ारा देख रहे हैं वो यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहाँ पर श्रद्धालु बहुत ही उत्साहपूर्वक जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। तो आप सब भी कमेंट में जाके जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी का नाम लेकर हम पहुँच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा में आने वाले श्री अर्धकुंवारी मंदिर, जिसे हम गर्भजून गुफा भी कहते हैं। यहाँ का सुंदर नज़ारा आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको धूप देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय लगभग जो है वो 20 से 25 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। इस समय रोजाना श्रद्धालु की संख्या 25 से 30 हज़ार के आसपास में बनी हुई है और अभी संख्या काफ़ी डिक्रीज हो गई है क्योंकि नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु का रस था, लेकिन अब रस थोड़ा कम हो गया है, रौनक थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आने वाले त्योहारों पर रौनक देखने को मिल सकती है क्योंकि छुट्टियाँ होंगी तो श्रद्धालु का रस बढ़ने के पूरे चांसेज हैं। इसके साथ साथ आप सबके स्क्रीन पर माता रानी के भवन का ये सुंदर नज़ारा प्रस्तुत है, जिसे आप घर बैठे देखिए और हाथ जोड़कर दर्शन कर लीजिए। माता रानी का भवन अपने आप में बहुत ही प्यारा लगता है और जैसे ही भवन में पहुँचते हैं बस यही होता है कि जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लिए जाएँ। तो आप सब घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महा सरस्वती हैं।
इन तीन देवियों के दर्शन करने के बाद मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और बस यही होता है कि फिर दोबारा हम कब यहाँ पर आएँ। अब शुरू करते हैं कुछ और जानकारियों का सिलसिला और बात करते हैं आपके लिए RFID कार्ड की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये प्राथमिक जानकारी होती है। RFID कार्ड के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कटरा पहुँच के अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्लिप दिखा के RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए जितने भी कटरा में काउंटर बने हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कटरा पहुंचिए, वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर अपना नाम, अपना एरिया का पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर बता के RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए और जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए तो RFID कार्ड को रिटर्न भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु 5 साल से ऊपर है उन्हें RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिए RFID कार्ड आपका कहीं पर भी गुम ना हो जाए, उसे बहुत ही संभाल के रखिएगा। साथ ही साथ आप सबके लिए अब बात की जाए मौसम अपडेट की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया कि इस समय काफ़ी धूप देखने को मिल जाता है लेकिन मौसम चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला ज़रूर से रख लीजिएगा और मेडिसिन भी रख लीजिएगा क्योंकि ऊपर ठंड काफ़ी लग रहा है। कोशिश करिए कि हल्का सा ब्लैंकेट लेके जाइए। मैंने काफ़ी श्रद्धालु को देखा है, कुछ लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं कि हम भवन पहुँच गए, हमें ब्लैंकेट नहीं मिल रहा है, कहीं से ब्लैंकेट दिला दीजिए, काफ़ी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप अपने साथ एक हल्का ब्लैंकेट कैरी करते हैं तो आपको फिर ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना ब्लैंकेट लेके कहीं पर भी स्टे करके आराम कर सकते हैं। ऐसे में देखा गया है कि दुर्गा भवन में भी काफ़ी लंबी कतार देखने को मिल जाती है ब्लैंकेट के लिए, इसीलिए यह हमें लगा कि कुछ नई प्राथमिक जानकारी तो हमने आपसे शेयर कर दिया, आप अपने हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग करके जा सकते हैं। बात की जाए अब सुविधाओं की तो माता रानी की अनुकम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल जा रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी है, रोपवे है, हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, हर प्रकार की सुविधा भक्त लेकर माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ जा रहे हैं। और आपको अब माता रानी के दरबार में लंगर सुविधा भी देखने को मिल जा रही है जो कि निःशुल्क खुला हुआ है भैरव घाटी में, आप वहाँ जाके लंगर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, पूरी तरीके से वो निःशुल्क है, आपको कोई भी उसका शुल्क नहीं देना है और ये श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत ही नया इनिशिएटिव लिया गया है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं श्राइन बोर्ड का। और आने वाले समय में हम यही आशा करेंगे कि माता रानी की अनुकम कृपा से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए और भी नए नए इनिशिएटिव ऐसे ही लेते रहे। वहीं आप सबके लिए कुछ नई जानकारी शेयर कर दे दर्शन की, तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो स्काई वॉक है ना वो फिलहाल तब खुल रहा है जब श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा है, कभी कभी स्काई वॉक बंद भी होता है, 5 नंबर से एंट्री मिल जाती है क्योंकि संख्या कम होती है तो इधर से एंट्री करा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जब भी आप माँ भगवती के दर्शनों के लिए जा रहे हैं अपना सारा सामान लॉकर में जमा कर दीजिएगा, चाहे तो पार्वती भवन में जमा कर दीजिए या फिर और भी भवन पे लॉकर हैं जहाँ आप अपना सामान जमा कर सकते हैं और बहुत ही सेफली आप माता रानी की यात्रा की ओर जाकर दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आपके पास आपका पैसा और प्रसाद हो, इसके अलावा कोई भी अदर आइटम ना हो जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े, फिर वापस आके लॉकर में सामान रखना पड़े, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ माता रानी के दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय मेरे हिसाब से दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे के बाद है, इस दौरान अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आपको माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो जाएंगे। आशा करेंगे कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी यात्रा सफल होगी। हमारी ये कोशिश निरंतर तौर पर जारी रहेगी कि माता रानी की यात्रा से संबंधित जो भी नई ऑथेंटिक जानकारी है वो आप सबको समय रहते साझा की जाए और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भक्तों तक एक सही जेन्युइन जानकारी पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में, ऐसे ही जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी वारी।